Hello guys, today's question is what is the difference between sympathy and empathy? दोनों ही वर्ड्स में अगर देखा जाए तो सफिक्स के रूप में पैथी वर्ड्स का यूज़ हुआ है. पैथी वर्ड जो कि ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब है सफरिंग, फीलिंग, इमोशन. सिंपति और एम्पथी को समझें तो हिंदी भाषा में सिंपति और एम्पथी को सहानुभूति, हमदर्दी या भागीदारी ये सब कहते हैं. अब दोनों में जो मेन अंतर है उसे एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. सिंपथी, सिंपथी सिम और पथी दो शब्दों का मेल है, जहां पर सिम का अर्थ विद और टुगेदर से है और वहीं पर पैथी का फीलिंग इमोशन से. लाइक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स फीलिंग और इमोशन स्पेशली देयर प्रॉब्लम्स. जैसे कि किसी के दुखी होने पर हम सहानुभूति जताते हुए कहते हैं कि मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि आपका इतना नुकसान हुआ है या आप इतने दुखों से गुजर रहे हैं. यानी किसी के दुख में सहानुभूति या हमदर्दी जताना सिंपथी है. वहीं बात करते हैं एम्पथी की, तो एम्पथी एम और पथी दो शब्दों से मिलकर बना है. एम यानी ईएम का मतलब इन से है. मीन्स एम्पथी इज एन अंडरस्टैंडिंग एंड एंट्रिंग इन टू अदर्स फीलिंग और इमोशन. इसमें हम किसी के दुख को समझने के बाद उसमें खुद को शामिल हुआ महसूस करते हैं. हमें किसी का दुख अपना दुख लगता है क्योंकि इसमें हम अपने आप को उस दुख से जोड़कर सोचते हैं या फील करते हैं. उदाहरण के तौर पर कोई मूवी देखते हुए इमोशनल सीन आ जाने पर हमारी आँखों से आंसू आ जाते हैं. यानी किसी के दुख में खुद को शामिल हुआ महसूस करना या किसी के दुख को अपना दुख समझना एम्पथी है.